ब्रॉट टू यू बाय आईटीसी सनराइज मसाले स्वाद बिहार का। बिहार में बीजेपी ने एक बार फिर से चौंका दिया है। राज्यसभा के लिए 2 सीटों के लिए चुनाव होने, इन 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए के हिस्से से आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया, तो वहीं दूसरी सीट के लिए अब ऐलान हो गया। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। बीजेपी ने मनन कुमार मिश्रा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया। मनन कुमार मिश्रा के नाम की हालांकि चर्चा काफी सालों से बिहार में अलग अलग चुनावों को लेकर होती रही है, लेकिन मनन कुमार मिश्रा को पहली बार बीजेपी ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। बिहार में 2 सीटों के लिए राज्यसभा का चुनाव होना है। इन 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए ने अपने कोटे से आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को दिया और दूसरी सीट पर उम्मीदवार मनन कुमार मिश्रा को घोषित किया है। आपको बता दें कि मनन कुमार मिश्रा मूल रूप से गोपालगंज के रहने वाले हैं, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। ये कहा जा रहा था कि बीजेपी राज्यसभा में इस बार इस तरीके की कॉम्बिनेशन चाहती है जिसमें 1 सीट सवर्ण के खाते में जा सकती है, क्योंकि जो सीट खाली हुई थी वो विवेक ठाकुर की सीट थी। विवेक ठाकुर इस बार नवादा से लोकसभा का चुनाव जीते हैं। अब मनन कुमार मिश्रा वहां पर उम्मीदवार होंगे। कौन है मनन कुमार मिश्रा? गोपालगंज के रहने वाले मनन कुमार मिश्रा ने पटना यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई की है। वो पटना यूनिवर्सिटी के टॉपर एवं गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। 1982 से उन्होंने पटना हाईकोर्ट में बतौर अधिवक्ता प्रैक्टिस शुरू किया। 2007 में वह बरीय अधिवक्ता बने। 2009 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वकालत शुरू की और 2010 में वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। लगातार 7 बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनने का भी रिकॉर्ड मनन कुमार मिश्रा के नाम पर है। आपको बता दूं कि बिहार में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई हैं। ये सीटें विवेक ठाकुर और मीसा भारती के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि कौन किस सीट के लिए जाने वाले हैं, क्योंकि विवेक ठाकुर का कार्यकाल लगभग 2 साल के लिए बचा हुआ है, जबकि मीसा भारती की जो सीट खाली हुई है उस पर कार्यकाल लगभग 4 साल के लिए अभी बाकी है। यहां पर यह देखना होगा कि बीजेपी इसमें से किस सीट से अपने उम्मीदवार को भेजती है और किस सीट से सहयोगी को। हालांकि 21 तारीख को नामांकन की आखिरी तिथि है, जब एनडीए के उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे। अगर विपक्ष की तरफ से कोई उम्मीदवार सामने नहीं आता तो ये दोनों ही राज्यसभा का चुनाव जीत जाएंगे, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्रा। मनन कुमार मिश्रा को लेकर इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी को लेकर चर्चा होती रही। इस बार भी जब राज्यसभा के उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा हो रही थी तो मनन कुमार मिश्रा का भी नाम चल रहा था। हालांकि वो रेस में पीछे थे, लेकिन बीजेपी ने चौंकाते हुए ये बड़ा फैसला किया है और गोपालगंज के रहने वाले वरिष्ठ वकील बार काउंसिल के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।